सोचो कभी आपने किसी अपने ग्रैंड मास्टर दोस्त को ले जाके और उसको जानबूझ के उसको मरवा के कभी उसका माइनस करवाया है? मतलब सोचो कितना भयंकर लगता है कि आप अपनी किसी ग्रैंड मास्टर फ्रेंड को लेके जा रहे हो और खुद भी मर जाते हो और उसको भी मरवा देते हो, इन शॉर्ट कि उसका माइनस लग गया। ठीक है, तो ऐसा एक चैलेंज दिया है हमारे B43 सिद्धा कोलंबे कर करके उनका कुछ नाम है, बिग शाउट आउट टू यू भाई। इन्होंने चैलेंज दिया है ग्रैंड मास्टर दोस्त के साथ खेलो और उसकी माइनस लगवा दो। यारा जी, ऐसी शुगर मेला लगाए रखो, बड़ा अच्छा काम कर का रहे हो। काफी भयंकर चैलेंज दिया है। तो चलिए भाई, हम जो है हमारे पास एक काफी सारे दोस्त हैं, इनके ग्रैंड मास्टर हो रखे हैं, तो मैं उनमें से एक को चूज किया मैंने और उसका जो है हम माइनस लगवाने वाले हैं। तो पूरा वीडियो देख के क्या रिएक्शन रहने वाला है एकदम। अभी मजा आएगा ना भिड़ो। चंदू के चाचा ने चंदू की चाची को जाने का चट्टा दिया, शिमला से जा कुल्लू से मंगा के जॉइंट पिला दिया, हाँ पिला दिया। भोलेनाथ से मिलने की इच्छा थी ले मिला दिया। अरे एक सेकंड, अरे जस्ट भाई एक सेकंड लेफ्ट करना है, जस्ट इन बट। अभी मजा आएगा ना भिड़ो। एक सेकंड लेफ्ट करना, अरे अच्छा कर दे रहा हूँ, क्या करूँ मैं। एक सेकंड लीव करो, एक सेकंड इनवाइट कर रहा हूँ, रुको। अबे सुन, आदत है, आदत है। हाँ हाँ इसका माइनस करवाना, ठीक है? उतरते मर जाइयो, ठीक है? ठीक है, ओके ओके, बिना वक्त चले गए। आदित्य ब्रो, हाँ साथ में रहियो भाई, ठीक है ना? ओके बिल्कुल। ऐसे ग्रैंड मास्टर वाला कितना मस्त लगता है ना, है जस्टर भाई? कर लगता है। जब मस्त देना है, बहुत सही लगता है। आज वो एक सेल्फी ले लो सब लोग बनके, फिर मौका मिले ना मिले, ओके? फिर मौका मिले ना मिले। समझ रहे हो? समझ रहे हो? समझ रहे हो ना? कौन है ये लोग, कहां से आते हैं ये? निकल जाओ उधर से, मेरे को एक एक्सपेरिमेंट करना है। अरे सब मल्टी विंडो माना, सब मल्टी विंडो माना, जस्ट पर मल्टी विंडो, मल्टी विंडो इधर आओ, जल्दी जल्दी जल्दी, मल्टी बोलो, मल्टी बोलो, जल्दी आओ। बंदा नहीं है मल्टी विंडो पे। अच्छा हमको सिखा रहा है। अच्छा बंदा नहीं है मल्टी विंडो पे। और अभी तो रुको, क्लाइमैक्स अभी बाकी। नहीं बंदा है, एक बंदा दिखा मेरे को, जस्ट पर जल्दी, एक एकर मिला क्या? खत्म, बाय बाय, टाटा, गुड बाय, गया। बचोगे क्या? बचोगे क्या? अरे वेल डन, वेल वेल डन। I got broads in the lineup, chasing the lean in the front, credit cards in the scammers, hitting the licks in the back, legacy. अरे क्या भाई, मजाक करते हो क्या? अच्छी पार्टी बन रहा है, मार दिया मेरे को भाई, अच्छी पार्टी बन रहा है। अरे इनको क्लियर करके जाना प्रेम। अरे उनका चौथा बंदा उधर ही है, उनकी टेंशन ही नहीं है। हार्ट बीट बढ़ जाता है यार,
हाथ टूटवाने का। ऊपर जाओ उन लोग का स्टोकन ओपन होगा देखो। प्राइम जा रहा हूँ, जा रहा हूँ नहीं रहने दे, रिवाइव कर जा। एक बार डेड बॉडी से तो ले लो टोकन। जा जा रिवाइव कर जा। लोल नहीं है ना, एक भी एक टोकन मिला। सही में रिवाइव देना, इधर मत जा, जल्दी जा। देखो गाइस इधर क्या हुआ था, लिटरली बता रहा, मेरे को अचानक से एकदम से उस बंदे ने जिस टोन में बोला था ना, मेरे को बहुत बुरा लग रहा था एक्चुअली, सच बताऊं तो। वो बोल रहा था मेरा हार्ट बीट बढ़ रहा है, और जो हम लोग मर रहे थे उस टाइम पर मल्टी विंडो पर, जान बूझ के मरे थे हम, आप लोग भी देख रहे हो, सिर्फ उसका माइनस करवाने के लिए। और हमने जो प्राइम को पहले बोल दिया था कि प्राइम तू जो जाके अलग उतर जाना, और जब हम लोग मर जाएंगे तो तू क्या करना, ये बोलेगा रिवाइव देने के लिए, तो बस इसको इमोट दिखाना, और उसके बाद इमोट दिखा के इसको मतलब एलिमिनेट हो जाना, ठीक है। तो मेरे को सच में मेरे को बुरा लग रहा था कि अगर ऐसा करेंगे तो यार मतलब बंदे का क्या रिएक्शन रहेगा, मतलब गुस्से की वजह से नहीं कि गुस्सा करेगा, ठीक है, मैं उसको सही से जानता भी नहीं, तो मेरे को इस चीज़ की कोई परवाह नहीं है कि वो गुस्सा करेगा, बस मेरे को रियली उस चीज़ के लिए थोड़ा सा सैड फील हो रहा था कि वो जो बंदा बोला था, इसलिए मैं इसको प्राइम को बोला कि भाई जाके रिवाइव दे, क्योंकि देखो ऐसा होता है कि मतलब बंदे यार सुबह रात मतलब 24 आवर्स पुश करते हो, ये जो बंदा था ये ग्रैंड मास्टर में रीजन में चल रहा था उस टाइम पे, ठीक है। तो अब बताओ यार बंदा रीजन में चल रहा है, और अगर उसका यहाँ पे 70-80 का माइनस हो जाता, मतलब 70-80 माइनस प्लस करने के लिए इस बंदे को कम से कम 3 घंटे लगे होंगे पीछे, ठीक है। और मान लो उनको ये अगर ये इधर माइनस लग जाता है तो उसके 3 घंटे पीछे वाले बर्बाद, प्लस में अभी इनको जिस पॉइंट पे ये है इसको उसको इक्वल करने के लिए आगे 3 घंटे लगने वाले हैं, ठीक है। तो मतलब इसके 6 घंटे को जैसे 5-6 घंटे बर्बाद हो जाते, तो यार मैं नहीं चाह रहा था यार मेरे एक चैलेंज के चक्कर में किसी का इतना बड़ा नुकसान हो, फालतू बंदे का ड्रीम हो, एकदम ग्लोबल मतलब रीजन टॉप के लिए पोस्ट कर रहा हो, क्या जाने यार, वही जानता है, ठीक है। तो इसलिए बस मेरे को बुरा लगा। आपको क्या लगा कि मैंने सही किया था गलत किया था, मेरे को नहीं पता, ठीक है। हालांकि ये चैलेंज मैंने कंप्लीट नहीं किया, बट उसके पीछे मैंने रीजन बता दिया कि वरना देखो आप लोग भी देख रहे हो स्क्रिप्टेड तो नहीं है ये चीज़, क्योंकि मैं खुद ग्रैंड मास्टर हूँ, अगर स्क्रिप्टेड होता तो इतना बड़ा रिस्क नहीं लेते, सोचो वहाँ प्राइम अकेला बचा था, हेल्थ भी नहीं थी, कोई भी मार के चला जाता, बट वो बंदा जिस टोन में उस टाइम से बोला था ना, मेरे को लग रहा था बाकी वो बहुत ज़्यादा सैड है, और उस टाइम पे थोड़ा सा उसको वाकई दग हो रहा था, इसलिए जो हमने फैसला किया कि इसको भुया दिलाना है, और ये वाला मैच भुया भी किया था हमने मस्त एकदम लास्ट में जाके। अरे एक तो लाइक और शेयर ठोक दीजिए महाकाल का, दबा के लाइक और शेयर ठोक दीजिए।